हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट और चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय वर्मा और आज मैं आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक सब्सटेंस के बारे में बात करूंगा जिसकी कीमत 1 किलो यानी कि 1 करोड़ रुपए के बराबर होती है। यह सब्सटेंस है एम्बरग्रिस, जिसको आपने आजकल इंटरनेट में देखा होगा कि किसी व्यक्ति द्वारा एम्बरग्रिस को समुद्री तटों से प्राप्त किया और वह एक ही दिन में करोड़पति हो गया। तो आज मैं एम्बरग्रिस के बारे में ही बात करूंगा। एम्बरग्रिस को आप जनरली यदि आप नेट पे देखोगे तो ये वेल वोमिट या वेल पूप के नाम से आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि अभी की यह क्लियर नहीं है कि यह वेल मैमल के थ्रू आउट माउथ आता है या बैक एंड आता है, लेकिन अब जो न्यू थ्योरी चल रही है वो यही माना जा रहा है कि एम्बरग्रिस वेल के बैक एंड से आ रही। अब सारी वेल की बात नहीं करते हम, फाइस्टर कैटाडॉन यह एक स्पर्म वेल, एक वेल की स्पीसीज है, इसमें यह एम्बरग्रिस प्रोड्यूस होता है। अब एम्बरग्रिस प्रोड्यूस क्यों होता है इसकी बात कर लेते हैं। जब वेल कटल फिश और स्क्विड को खाती है तो उसमें जो अपच चीजें होती है लाइक उसकी चोंच है, तो यदि उनकी बीक जिसको वह नहीं पचा पा रही है तो इस वजह से उसको अपच होती है। जो इंटेस्टाइन में इरिटेशन होती है, इस वजह से एम्बरग्रिस एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो इस खाने को पचाने में स्पर्म वेल को हेल्प करता है। और यह एम्बरग्रिस थ्रू आउट माउथ कहे या बैक एंड कहे, वह उससे बाहर आता है। तो जो फ्रेश एम्बरग्रिस होता है वह ब्लैक कलर का होता है और उसमें तीक्ष्ण गंध होती है, लेकिन जैसे ही वह समुद्री पानी, एयर और सनलाइट के एक्सपोजर में आता है तो वह हार्ड हो जाता है और फेड ग्रे या येलो कलर का हो जाता है। वही समुद्री तटों पर किसी भी लोग द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और वह एक ही दिन में करोड़पति हो जाते हैं। आप इतने खुश मत होइए क्योंकि यह जापान, अफ्रीका, अमेरिका और चाइना, इन समुद्री तटों पर यह एम्बरग्रिस ज्यादातर देखने को मिलता है। कुछ ट्रॉपिकल रीजन है बहमास, तो वहां पे भी यह देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, एम्बरग्रिस इतना महंगा क्यों है। तो एम्बरग्रिस को जो परफ्यूम इंडस्ट्रीज होती है वह परचेज कर लेती है। वह इसका इस्तेमाल परफ्यूम को ह्यूमन स्किन में लॉन्ग लास्टिंग तक मेंटेन करने के लिए एवं यानी कि या यू कहे कि उसको वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन से प्रोटेक्शन में एम्बरग्रिस का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जितनी भी मॉडर्न परफ्यूम इंडस्ट्रीज है, ये ट्रेड की तरह काम किया जाता है, ट्रेड सीक्रेट होते हैं जैसे, तो इनका जो यूज है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, बात करते दोस्तों ईस्टर्न कल्चर में इसका इस्तेमाल दोस्तों मेडिसिन और एज ए स्पाइस मतलब मसालों के रूप में भी एम्बरग्रिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यह तो बात हुई एम्बरग्रिस की, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय विज्ञान दोस्तों।